हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुँचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। वो चुनावों के समय में तो अपनी यात्रा की वजह से नहीं आ पाए, मगर जब हमारी सरकार बनेगी उस उपलक्ष्य में उनको हमने निमंत्रण दिया है कि वो यहाँ पे नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जो है वो हिमाचल प्रदेश आएँ, शिमला आएँ। कि हम कभी भी किसी पद के पीछे नहीं हैं और ना ही हम कहीं दौड़ लगाने में विश्वास रखते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमारे परिवार को जब भी कोई जिम्मेवारी दी है, कोई चुनाव लड़ने के लिए कहा है, कोई चुनौती दी है, तो पार्टी के लिए हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है और उसको कभी भी किसी पद के लालसा से स्वीकार नहीं किया है, केवल पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वीकार किया है। और आने वाले समय में भी हमारा ये नज़रिया है कि हम केवल पद को जो है वो एक जरिया देखते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में हैं, बहुत जल्दी उनके नाम के आगे पूर्व लगने वाला है। कुछ ही दिन की बात रह गई है, हफ्ते भर की बात रह गई है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि धैर्य रखिए, प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। उसका जो रिजल्ट्स है वो 8 दिसंबर को आएंगे और प्रदेश में किस ओर हवा चल रही है वो प्रदेश के सब लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अधिकारी समझ चुके हैं, प्रदेश के हमारे पत्रकार बंधु समझ चुके हैं, कर्मचारी समझ चुके हैं। मगर मुख्यमंत्री जी को समझ क्यों नहीं आ रहा है? या तो उनकी जो खुफिया तंत्र है वो पूरे तरीके से फेल हो चुका है, या फिर उनको लुभाने के लिए गलत रिपोर्टिंग जो है उनका खुफिया तंत्र कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मगर उनकी सारी गलत फहमियाँ 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी, जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बनेगी।